Subscribe and click the bell icon for all the Bollywood updates. दुनिया भर से 3000 से ज्यादा टेक्नीशियंस ने मिलकर बनाई है अक्षय कुमार और रजनीकांत की 2.0। अक्षय कुमार ने ट्वीट के जरिए दी जानकारी और साथ ही कहा कि 2.0 का टीजर 3 दिनों में रिलीज होगा। लव, सेक्स और धोखा में एक साथ काम करने के बाद राजकुमार राव और नुसरत भरूचा फिर एक बार पर्दे पर नजर आएंगे फिल्म तुर्रम खान में। इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं अजय देवगन और लव रंजन। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे की कहानी है तुर्रम खान। फिल्म की शूटिंग नवंबर 2018 में होगी। अभिषेक बच्चन, बीवी ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर हुए भावुक। ट्विटर पर ऐश्वर्या और आराध्या की एक फोटो शेयर की और ऐश्वर्या को मिले मेरिल स्ट्रीप अवार्ड की प्रशंसा की। वेल, इतने दिनों से जो आयुष्मान खुराना को लोगों से जो बधाई सुनने मिल रही है उसका सस्पेंस खत्म हो चुका है। यस, उनकी अगली फिल्म का नाम है बधाई हो और उनके साथ नजर आने वाली है सानिया मल्होत्रा। कल यानी 11 सितंबर को होगा ट्रेलर रिलीज, लेकिन आज बधाई हो से रिलेटेड एक वीडियो रिलीज हुआ। बॉक्स ऑफिस पर श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की फिल्म स्त्री जल्द पार कर सकती है 100 करोड़ रुपयों का आंकड़ा। रिलीज के दूसरे हफ्ते में कुल मिलाकर स्त्री ने कमाए 82 करोड़ रुपए। सलमान खान अपने 2 साल के भांजे आहिल को पेंटिंग सिखाते दिखाई दिए। मामा भांजे का एक मजेदार वीडियो अर्पिता खान ने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया। शाहिद कपूर और मीरा राजपूत के बेटे जैन कपूर का नाम जैन कैसे रखा गया, इस पर शाहिद कपूर की मां नीलिमा आजिम ने पर्दा उठाया। नीलिमा ने कहा, जैन नाम मीशा के जन्म के वक्त चुन लिया गया था। मीशा के जन्म से पहले ही ये डिसाइड कर लिया गया था कि अगर बेटी होगी तो उसका नाम मीशा रखा जाएगा, जो मीरा और शाहिद के नाम का मिक्स है। वही अगर बेटा होता है तो उसका नाम जैन रखा जाएगा। इंस्टाग्राम पर रणबीर कपूर के साथ एक नया फोटो शेयर किया आलिया भट्ट ने। कैप्शन दिया, इट मींस नो वरीज फॉर द रेस्ट ऑफ योर डेज, हकुना मटाटा। तस्वीर में आयान मुखर्जी भी है। रणबीर और आलिया फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए शूट कर रहे हैं। रणवीर सिंह के साथ शादी को लेकर दीपिका पादुकोण ने दिया एक ऐसा बयान जिसे जानकर आप रह जाओगे कंफ्यूज्ड। दीपिका ने शादी की खबरों पर रिएक्ट करते हुए कहा, मैं शादी के बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगी। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस न्यूयॉर्क फैशन वीक में शरीक हुए। दोनों ने राल्फ लॉरेन की 50वीं एनिवर्सरी पर ऑर्गेनाइज्ड एक फैशन शो अटेंड किया, जहां से दोनों की कुछ खूबसूरत और रोमांटिक तस्वीरों ने लोगों से काफी ज्यादा वाहवाही लूटी।